वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जंगम बाड़ी मठ के श्री जगतगुरु विश्व आराध्य शतमानोत्सव एवं वीरशैव महाकुंभ समारोह में शामिल हुए। मठ में प्रधानमंत्री ने बहुप्रतीक्षित धार्मिक पुस्तक श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के 19 भाषाओं में अनुवादित हिंदी संस्करण तथा इसके मोबाइल ऐप का भी विमोचन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कन्नड़ भाषा में भाषण की शुरुआत करके कर्नाटक की संत परंपरा को जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि जंगम बाड़ी मठ भावात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से वंचित साथियों के लिए प्रेरणा का माध्यम है। संस्कृत भाषा और दूसरी भारतीय भाषाओं को ज्ञान का माध्यम बताते हुए तकनीक का भी समावेश मठ कर रहा है। सरकार का भी यही प्रयास है कि संस्कृत सहित सभी भारतीय भाषाओं का विस्तार हो, युवा पीढ़ी को इसका लाभ हो। जो ज्ञान पीठाधीश्वर श्री से श्री 1008 जगत गुरु चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवतपाद जी आज हमारे यहाँ इस मंच पर हैं, इस पीठ पर विराजमान होकर के 31 साल हो गए। कई अनगिनत उन्होंने कार्य किया, उसमें सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ का जो है 19 भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय भाषाओं में आपने अनुवादित किया। इस तरह अनेक कार्यों को उन्होंने जो है तेज दी, इसलिए मैं हृदय से और आपके चरणारविंदों से वृंदों में मैं अभिवादन करते हुए